मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू होने के बाद अब इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से पैसा एक्ट के तहत शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया गया, साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लागू पैसा एक्ट के तहत गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को झाबुआ जिले के अलग अलग स्थानों पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं जिला पंचायत के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झाबुआ रानापुर एवं थाना पेटलावत पर आयोजित प्रशिक्षण में करीबन 500 से 550 समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान उन्हें पैसा एक्ट से जुड़ी जानकारी सहित अधिकारों से अवगत कराया गया। पैसा के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति के उपस्थित सभी सदस्य, सभी एसपी साहब, सभी हमारे थाने के अधिकारी कर्मचारी, तहसील के लोग, आप सब, लगभग हम लोग 2 महीने से पैसा के बारे में सुन रहे हैं। आप लोग भी सुन रहे होंगे कि पैसा ग्राम सभा हर पंचायत में हुई, फिर वहाँ कुछ जगह हम लोग भी गए, हमारे अधिकारी भी गए, कुछ जगह नोडल बनाए, वहाँ ग्राम सभा में बताया क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या नया काम होना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ थी तो वो शिकायत निवारण समिति, जिसके आप लोग सदस्य हैं। क्योंकि आप, हम लोग देखें आजकल, चाहे पुलिस के पास हो या हमारे पास हो, बहुत सामान्य सामान्य शिकायतें आती हैं, बहुत सामान्य, जैसे कि घर में झगड़ा हो गया, अगर कोई महिला है तो उसकी सास रहने दे रही है घर में, या पति से झगड़ा हो रहा है, या और कोई बात हुई है घर वालों में, आपस में खेत है, किसी ने रास्ता रोक दिया खेत का, जान ले रहा है, कब्जा कर लिया है, या और कोई ऐसी चीज, इनका निवारण पुलिस के माध्यम से हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो FIR करेंगे तो उसमें कुछ कार्रवाई तो होनी नहीं है। किसी ने मान लीजिए आपका कब्जा रोक लिया है, बात करके उसको खुलवा दें, बस उसमें जेल भी नहीं होगी, कोई ऐसी सजा भी नहीं होगी। कि हम आपको सहयोग करेंगे, और तो हमने भी गाँव वालों ने मिलकर थाना कि जो कुछ भी करेंगे आप पूरी रजिस्टर में लिखा पढ़ी करेंगे, और ग्राम शांति निवारण समिति जो है वो पूरी एक एक मुद्दे को लिखेगी और दोनों पक्षों को अच्छे तरह से समझाएगी और उसका हम लेखा जोखा रखेंगे। तो हमने पूरे दिल से उसको सुलझाया। तो हमारे यहाँ ऐसे 2 मुद्दे थे, कम से कम 10-15 साल से दो पक्षों में झगड़ा था। तो मैं उनका नाम वाले नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका झगड़ा मतलब ज़्यादा था। उन्होंने आके हमको बोला कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है। तो हम शांति सुरक्षा समिति के लोग गए वहाँ पे, पहले तो हम उनके घर पे गए, उनको समझाने की कोशिश करी, दोनों पक्षों में नहीं बन पाया। तो हमने उनको बोला कि आप ग्राम पंचायत पे आओ और वहाँ हम एक एक मुद्दे को लेके गंभीरता से शांति निवारण समिति के सदस्यों को बताएंगे। वहाँ पे तड़वी भी रहेगा, सरपंच भी रहेगा। तो इस तरह से दोनों पक्ष के आए और बहुत देर तक वो माने नहीं कि हम पहले भी नहीं बैठेंगे और हमारा विवाद ऐसा कैसा बनेगा। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया और आखिर में दोनों पक्ष मान गए, और मतलब उन्होंने पूरी तरह से मान लिया कि आज के बाद हम ये पुराना जो हमारा विवाद था 15 साल पुराना, ये आज से हम भूल जाते हैं। और उसको हम दोनों मतलब एक ही परिवार के भाई थे, तो उन्होंने आपस में मेलजोल किया और हम उनको भेगे बिठा दिया, और इस तरह से वो मामला 15 साल पुराना हमने सुलझाया। उसके बाद हमारे गांव जाडावर का एक और मामला था। मुहिम को आपकी क्या कहेंगे जी? पैसा एक्ट के माध्यम से जो ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं, उसके संबंध में हम लगातार प्रशिक्षण के शिविर लगा रहे हैं। कल भी 3 थानों पर शिविर लगे थे, राणापुर, झाबुआ और पेटलावद में, जिसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 600 से भी अधिक समिति के सदस्यों ने भाग लिया। न सिर्फ भाग लिया, उनके कई प्रश्न भी थे जिसके उस वहाँ पर समाधान किए गए, और वे बेहद उत्साहित थे। हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में कई विवादों का निराकरण ग्राम सभा स्तर पर ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आज भी 3 जगह रखे गए हैं, जहाँ जिसमें मेघनगर में आज हम उपस्थित हुए हैं, और काली देवी और थानला में भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वहाँ 3 जगह मिलाकर के आज भी लगभग 800-900 लोग आज प्रशिक्षण लेंगे, और उसी प्रकार से कल आखिरी दिन भी हम 3 जगह प्रशिक्षण रखेंगे। पूरे जिले में जितनी हमारी ग्राम सभाएं 774, सभी की शिकायत निवारण समिति के सदस्य आए हुए हैं, आएंगे, और पूरा इसमें प्रशिक्षण लेकर के विवादों का निवारण और अच्छे स्तर से कर पाएंगे, जिससे पुलिस का भी काम कम होगा और जो एक मूल हमारी
इसमें स्वरूप है कि ग्राम सभाएं ग्राम सभा के स्तर पर विवादों का निराकरण करें वो भी पूरा हो। सर बहुत संक्षेप में जानेंगे, ये जो वाद विवाद निवारण है ये कुल मिला के क्या है अगर इसको? ये विवाद निवारण शांति एवं विवाद निवारण समिति जो है ये ग्राम सभा के अंतर्गत एक समिति बनी है। उस समिति का काम यह है कि झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।